नमस्कार दोस्तों, कोटुडा टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मैं एक सेमिनार में आया हुआ हूँ जो कि आबू रोड के शांतिवन परिसर के मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में हो रही है, जो कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए आयोजित हो रही है। और यहाँ पर गुजरात से आए हुए एक बहन है, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्ते सर, आपका शुभ नाम? हंसा पटेल। ओके, हंसा पटेल जी कहाँ से आए हैं? मैं गिर सोमनाथ कृषि विज्ञान केंद्र अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन अंबुजा नगर से लोकवाणी रेडियो अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहा है 9.4 FM रेडियो वहाँ से आई जी। तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? यहाँ पे आकर बहुत ही अलग फीलिंग्स हो रही है। वैसे तो मैंने बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हैं, पर यहाँ का जो शांतिवन है, मनमोहनी कॉम्प्लेक्स है और यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, रियली ऐसा लगता है कि कोई स्वर्ग में आ गए। अच्छा लग फीलिंग हो रहा है। सबसे बात कर रहे हैं तो सब लोग इतनी शांति से बात कर रहे हैं, और यहाँ जो बाहर का वातावरण है, अपने कोई चोरी का माहौल हो, भ्रष्टाचार हो, कोई गलत बोल दिया, कोई हल्ला मचा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ एक अलग ही फीलिंग्स आ रही है। अपना हम लोग देख रहे हैं कि अपना पर्स भी छोड़ के आ रहे हैं, घर भी कुछ कर रहे हैं, रूम भी खुला छोड़ के आ रहे हैं, तो कोई अपने को डर नहीं है, वीक नहीं, कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है प्रोग्राम अटेंड करने में भी, सेमिनार अटेंड करने में। और यहाँ बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। और जो कम्युनिटी रेडियो में जो बात बताई गई है कि कम्युनिटी रेडियो जो भी लोकल कम्युनिटी है, तो ज़्यादातर प्रोग्राम कम्युनिटी वालों को साथ लेके बनाना चाहिए। चूँकि हम लोग प्रोग्राम बनाते थे, ज़्यादातर हम लोग तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो विषय निष्णात जो एक्सपर्ट रहते हैं एग्रीकल्चर का, उनके साथ भी बनाते थे, खेडूत के साथ भी बनाते थे। लेकिन यहाँ बिल्कुल ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जो अपनी फार्मिंग कम्युनिटी, वो भी बहुत एक्सपीरियंस पर्सन, वो भी ऐसे साइंटिस्ट जैसे ही लोग हैं, तो उनसे भी ज़्यादातर प्रोग्राम लेना चाहिए अपने, ताकि उनकी लोकल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम हो तो वो ज़्यादा खेडूत उसको अपनाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेंगे तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जो पर्पज है तो वो फुलफिल कर पाएंगे जी। हंसा बहन, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, सशक्तिकरण को लेकर ये पूरा सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो सशक्तिकरण के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? बिल्कुल, सशक्तिकरण तो पूरे इंडिया में चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है कि वुमन को एम्पावर करो, वुमन को एम्पावर करो, ऐसे बहुत सारे सेमिनार होते हैं। लेकिन ये एम्पावर के सेमिनार करने से सशक्तिकरण नहीं होता, उसका पॉलिटिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, वो सभी तरह का उसका एम्पावरमेंट करना, मतलब उसका कोई घर में कोई डिसीजन लेना हो, खेती में कोई डिसीजन लेना हो, बच्चों को पढ़ाने में कोई डिसीजन लेना हो, तो उसको पूछना चाहिए और उसका महत्वपूर्ण जो डिसीजन है उसकी उसको भी मायने रखना चाहिए। और उसको जो एम्पावरमेंट की बात बताते हैं, तो कोई भी फील्ड में जैसे खेती पशुपालन में जो काम कर रहे हैं, उसमें वो दो पैसा उसके हाथ में आए और उसका वो सही तरह से यूटिलाइजेशन खुद कर सके, उसको मैं समझती हूँ कि एम्पावरमेंट कहना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो दोस्तों, हंसा बहन ने बहुत अच्छा एम्पावरमेंट की, सशक्तिकरण की परिभाषा दिखाई कि सशक्तिकरण वास्तव में वो है जो वो खुद का अपना अगर एम्पावरमेंट कर पा रहा है, सशक्तिकरण कर पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों